अपने बच्चों का त्योहार नहीं किया। स्क्रीन पर सूट बूट और गले में माला पहने दिख रहे जनाब दूल्हे राजा है। दूल्हे राजा सज धज के बारात लेकर दुल्हनिया लाने जा रहे थे, लेकिन सेंट मार पैसू की माला पहन हुए घोड़ी पर चढ़ता उससे पहले एक फोन आया और दूल्हे राजा के जस के तस अपनी माँ और बारातियों संग ससुराल की जगह थाने पहुंच गए। सजे धजे दूल्हे और बारात को देख पूरा थाना हैरान रह गया, और जब दूल्हे राजा से ससुराल जाने के बजाय थाने आने का कारण पूछा तो पता चला कि वह जिस दुल्हनिया से शादी कर उसे घर लाने जा रहे थे, वह दुल्हनिया शादी से कुछ घंटे पहले ही अपनी प्रेमी संग फरार हो गई। दूल्हे की मां ने बताया कि दुल्हन पार्लर पर सजने गई थी, लेकिन वहां से फुर हो गई। ऐसे में अब दुल्हन पक्ष वाले उन्हें शादी में किए सारे खर्चे का मुआवजा दें। बोली दीदी, तुम अपने लड़के को लेके जाती रही हो, एक इंसानियत के नाते अगर हमारे अपने बच्चों का त्योहार नहीं किया है, कि अगर कहीं रिश्तेदारी जोड़ती है। दरअसल ये हैरान करने वाला मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद की नगर कोतवाली क्षेत्र का है। बेतवा घाट के रहने वाले दूल्हे राजा मुकेश की बारात पास के ही गांव में जानी थी। शुक्रवार को शादी तय थी, लेकिन मुकेश अपनी दुल्हन विदा कराने के लिए तैयार ही हुआ था कि उसकी दुल्हन को अपनी प्रेमी के साथ फरार हो गई। ऐसे में दूल्हे ने बारात दुल्हन के घर की बजाय थाने की तरफ मोड़ दी। थाने में दूल्हे मुकेश की माँ ने बताया, मुकेश के पिता नहीं है, घर में शादी की तैयारियां मैंने खुद से की थी। बहुत खर्चा करके अपने बेटे की शादी धूमधाम से करा रही थी। कल सारी रस्में हुई, बस बारात निकलने वाली थी, तभी दुल्हन के घर से फोन आया कि वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। दूल्हे की मां ने बताया कि मैंने उन लोगों से पूछा कि कैसे, तो बोले कि लड़की अपनी चाची के साथ ब्यूटी पार्लर में सजने गई थी, वहीं से वह भाग गई। उसकी चाची जब घर लौटी तो बोली कि वह पार्लर के बाहर थी, लड़की पता नहीं कब रफू चक्कर हो गई। दूल्हे की मां ने बताया कि दुल्हन के फरार होने की खबर के बाद बारात नहीं निकली, रात से ही घर पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। मुकेश की मां ने कहा कि दुल्हन पक्ष ने अपने किसी रिश्तेदार की लड़की से बेटी की शादी की बात कही थी, लेकिन मना कर दिया, क्योंकि हमने जिसे पसंद नहीं किया उससे बेटी की शादी नहीं कराएंगे, हमें शादी में खर्च हुआ पैसा चाहिए। मुकेश के पिता नहीं है, सब कुछ अकेले किया, इतना पैसा खर्च किया, अब दुल्हन के घर वाले ही देंगे। उधर दुल्हन के घर वालों ने बात करने से मना कर दिया है, उनका बस इतना कहना है कि बेटी शादी से खुश थी, पता नहीं ये सब क्यों किया। इस मामले में हमीरपुर सदर कोतवाली प्रभारी दुर्ग विजय सिंह ने बताया है कि दुल्हन की तलाश के लिए टीम लगाई गई है, जल्द ही उसे बरामद कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।